हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पे। इस बार हम आपको मैथमेटिक्स की एक नई वीडियो शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने इससे रिलेटेड एक इंग्लिश में एक वीडियो डाला है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, बट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और हमारे कॉल पा कई कॉलें आई हमारे पास। हिंदी मीडियम के छात्र कह रहे हैं कि सर वीडियो बहुत अच्छी है, सर वीडियो को हिंदी में भी डालें जिससे कि हमको भी मदद मिल सके। तो जी, हम हिंदी में भी पूरी वीडियो शुरू करेंगे। हम देखिए, हिंदी इंग्लिश में वीडियो डालना काफ़ी कठिन काम हो जाता है। एक ही वीडियो को आप दो दो बार डालिए, तो हम कोशिश करेंगे, एक ही में कोशिश करेंगे कि हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को समझ में आ जाए और अलग अलग वीडियो ना डालनी पड़े। तो हम कुछ जो टर्म्स होंगे इंग्लिश के, उनको हम स्टूडेंट्स को बताते जाएंगे और वीडियो हमारी ज़्यादातर हिंदी में ही अब आगे आएंगी। तो जो पहला वीडियो हमने बेसिक दिया था, उसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं उन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो एकदम बेसिक से मैथ शुरू करना चाह रहे हैं और जिनको मैथ एकदम नहीं आती है। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये बेसिक चीज़ें और उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हमारे साथ बस जुड़े रहिए। हमारी पूरी वीडियोज आप लाइन से देखिएगा, उसके बाद आप रिजल्ट खुद आपके आपके सामने होगा कि मैथमेटिक्स जो आपको बहुत कठिन लगती है वो कितनी आसान लगने लगेगी। हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपको जो आप सवाल 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक में नहीं कर पाते हैं, उसको आप कैसे 10 से 15 सेकंड्स में सॉल्व करते हैं। ये हमारी खासियत होगी हमारे वीडियोज में। और हम आपको इतना इजी कर देंगे मैथमेटिक्स को कि आपको मैथमेटिक्स जो अभी पहाड़ लगती थी वो आपको एकदम बहुत आसान लगने लगेगी। तो हम बेसिक आपको थोड़े से कुछ काम करने पड़ेंगे, थोड़ी सी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, एकदम बेसिक, एकदम थोड़ा सी चीज़ें हैं। 1 से 30 तक, 1/1 से 1/30 तक की आपकी वैल्यू याद करनी होगी। ये छोटा सा काम आपको याद करना होगा, बस इसके अलावा आपको कुछ भी अरिथमेटिक में नहीं याद करना है। इसी बेस पे हम सारे आपके पूरी अरिथमेटिक को हम 10×10 करके हम आपकी पूरी मैथमेटिक्स को ख़त्म कर देंगे। तो आप शुरू करते हैं, अब देखते हैं आपको परसेंटेज वैल्यू। आप एकदम पहला ट्रायल देख लीजिए, अगर आपको अच्छी लगे तभी आप आगे की वीडियो देखिएगा, तभी आप कुछ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, मैं कह रहा हूँ। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आपको वैल्यू याद करनी है। जैसे आप कोई भी अपने आप में वैल्यू 1 होती है, 1 अपने आप में कितना होता है, पूरा 100% होता है। और 100% क्या होता है, जब कोई आप 100% को आप डिवाइड करते हैं किसी 1 से तो वो टोटल कितना होता है। 1 क्या होता है, अपने आप में 1/1 की जब आप डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो 100% हो जाएगा। 1/2 को आप जब डिवाइड करेंगे तो वो कितना होगा, 50% होगी। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी, 1/1 100%, 1/2 आपका 50%, 1/3 कितना हो जाएगा जब आप 100 से 3 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 33.33। तो ये आपको याद रखना है, 1/1 हो गया, 1/2, 1/3 हो गया, 33.33। इसी तरह 1/4 25%। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह 1/5 की बात करेंगे तो 20%, जब आप 100 से 5 को डिवाइड करेंगे तो ये 20% हो जाएगा। इसी तरह जब 100 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा आपका 16.66। इसी तरह जब आप 7 को डिवाइड करेंगे 100 से तो इस वैल्यू क्या हो जाएगी, 14.28%। इसी प्रकार जब 1/8 को डिवाइड करेंगे तो 12.50। इसी प्रकार आप जब 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 11.11% वैल्यू आएगी। इसी तरह आप 1/10 का, 100/10 की जब वैल्यू निकालेंगे तो 10% आएगा। इसी तरह ये पूरा है, ये देखिए 1/11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये आप एक जगह अपनी कॉपी पे रख लिख लीजिए और इसको आप याद कर लीजिएगा। इतना आपको करना है, बस एक छोटा सा काम आपके लिए यही करना है, आप ये बस कर लीजिए। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको याद होंगी, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कि आप
1/1 आपको पता है 100%, 1/2 50%, 1/1 मतलब आपको 1/5 तक 20% तक तो याद होगा। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत याद करना है, 1/10 का 20%, 1/20 का 5% आपको पता ही है, 1/25 का 4%, ये सब पता है। कुछ वैल्यू जो इनके बीच की होगी वही आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है और वही आपको याद करनी है। तो आप इतना छोटा सा काम कर लीजिए। और आपको एक चीज़ और, कोई भी अपने आप में, कोई भी काम अपने आप में 100% होता है, तो आप वहाँ आपको सवाल करने का क्या तरीका होगा ये देखना है। जैसे दो चीज़ें होती हैं, कोई भी आप काम करने हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, तो हम पहले पहलू को 10 मानते हैं, 10 अपने आप में ये 100% हम मान लेते हैं, और दूसरा पहलू क्या हो जाएगा, दूसरा भी 10% हो जाएगा, ये अपने आप में 100 हो जाएगा। ये आपको दोनों को जब इंटू करेंगे तो कोई भी काम कितना हो जाएगा, 100 से ऊपर नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। अब इसी बेस पे हम 10 × 10 बेस पे आपको हम पूरी अरिथमेटिक को सॉल्व कराएंगे बहुत ही आसानी से। तो शुरू देखते हैं एक दो एग्जाम्पल, बहुत आसानी से हम देखते हैं क्या होगा, इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। तो देखते हैं, और पहला पहला एग्जाम्पल आपके लिए देखिए, परसेंटेज वैल्यू के फायदे यूज कैसे करेंगे आप। देखिए जैसे क्या हुआ, एक कोई वैल्यू मान लीजिए आपके सामने रख दी गई है, 289 है यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, इसका आपको कह दिया कि 5.89% कितना होगा, 289 का 5.89% आप निकालेंगे, तो इस तरह आप निकालते रह जाएंगे काफ़ी देर तक, क्योंकि पॉइंट वैल्यू है और काफ़ी आपको टाइम लगने वाला है इसमें। आप भाग देंगे, कहीं आपका एक अंक मिस्टेक कर गया, आपका गलत हो जाएगा और टाइम भी काफ़ी जाएगा। तो अब देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो आपको हम 1 से 30 तक वैल्यू हम आपको याद करवाएं, ये देखिए जो 1 से 30 तक वैल्यू याद करवाए हैं, इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, 5 पॉइंट जो वैल्यू उसमें दी गई है, 5.89 किसकी वैल्यू है, तो 1/70, 1/17 यानी कि 1/17 की वैल्यू क्या है, 5.89। अब देखिए आपका सॉल्यूशन मिल गया आपका, बस आपका सवाल समझिए, अगर है आपको याद है तो आपका सवाल ये सॉल्व हो चुका है। देखिए अब सवाल क्या है कि 5.89, 289 का 5.89 बराबर क्या, 5.89 में 1/17। अब कुछ नहीं करना है, 289 को आपको 1/17 से भाग कर देना, गुणा कर देना है, टोटल आपका आ जाएगा 17 से, अगर 17 से आप 289 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17 × 17 = 119, तो ये आपको आंसर हो जाएगा, ये 17 आंसर हो जाएगा। हाउ इजी, कितना इजी, आपको खुद यकीन नहीं होगा कि इतना आसानी से कैसे हो गया। और पॉइंट में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी परसेंटेज निकालने को, बड़े बड़े परसेंटेज निकालने को आते हैं, सब इसी बेस पे रहते हैं, आपको बस ये वैल्यू याद करनी है, कभी कभी इसका डबल कर देना है किसी, इसको हम आगे बताएंगे, आपको हाफ कर देना है, लेकिन आपको इसी बेस पे आप पूरी अरिथमेटिक के परसेंटेज जो भी एग्जाम में देता है वो भी, उनको भी पता है कि बच्चों इतना समय, अगर ऐसा दे देंगे कि बच्चों को बहुत समय लगे तो वो नहीं पाएंगे। जो बच्चे इस विधि से पढ़ते हैं, ये आप इसको मुश्किल से, आप अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, मुश्किल से आपको ये 2 से 3 सेकंड का खेल है बस, वो भी मुझे आनी, आपको पेन कलम उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, ये आसानी है हमारे इस, ये हमारी विशेषता है। आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी बेस पे, देखिए 343 का 14.28% कितना होगा, 343 का 14.28% कितना होगा। अब देखिए, अब फिर से एक बार देखिए, 14.28% किसकी वैल्यू है, 14.28% किसकी वैल्यू है, आप देखिए, ये देखिए 14.28% 1/7 की वैल्यू है, किसकी है, 1/7 की। अब ये अगर आपको याद है तो देखिए, आप यहाँ पे तुरंत जाएंगे, 343 का 14.28% आपको निकालना है, आपको पता है कि 14.28 1/7 की वैल्यू है, आप कुछ नहीं करेंगे, 343 में 1/7 का तुरंत आप गुणा कर देंगे, तो ये आपका जब 7 से 349 को आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 49 आंसर, तुरंत आपका 2 सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। और इसी तरह आप निकालते रह जाइए, 343 का आप साधारण तरीके से आप क्या परसेंटेज निकालते निकालिए निकालते रह जाएंगे आप, क्योंकि पॉइंट में है बहुत टाइम जाने वाला, गुणे आप ऐसे करिए 14.28 / 100,
अब आप इसको करते रह जाएंगे बहुत देर तक, ये आपका आएगा नहीं, आएगा भी तो एक आध दो पॉइंट आप मिस करेंगे जो कि आपका सवाल गलत हो सकता है। तो ये चीज़ है, ये हमारे फायदे हैं, ये हमारी विशेषताएं हैं हमारी वीडियो की। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, एक देखिए एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जैसे परसेंटेज का, कि आप कैसे देखिए इसका 10 × 10 का एप्लीकेशन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई 10 × 10। तो ये देखिए परसेंटेज के कुछ सवालों फ़ायदे क्या, देखिए एक साधारण सवाल है ये, बहुत लड़के देखने में इनको बहुत कठिन लगेगा। यदि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दिया जाए, एक आयत है उसकी लंबाई 10% से आप बढ़ा देंगे और चौड़ाई को 10% से घटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप अगर इसको छोड़ दीजिए अभी, आप साधारण करेंगे तो आप करते रह जाएंगे सवाल को, हम आपको ट्रिक से बताएंगे आप कैसे करना है आपको। देखिए हमने आपको बताया था क्या, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 से 100 होती है। अब इन 100 को हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जैसे इस सवाल में एक लंबाई पहलू है, एक चौड़ाई पहलू है, ये तीन भी पहलू हो सकते हैं। जब ये तीन पहलू होने जाएंगे तो आपका 10 × 10 × 10 मतलब 1000 हो जाएगा। 3 × 10 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 1000, ऐसे आपको रखना है। जैसे यहाँ पे 10 × 10 हो गया इज इक्वल 100%, ठीक। तो अब इस सवाल के पहलू देखिए, एक आयत की लंबाई, जैसे हमारा 10% हमने माना है टोटल 100%, आयत की लंबाई कितना है 10% बढ़ा दी जाए, तो जैसे हमारा 10 है, 10 का आप 10% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो मतलब ये हम आपको इसको 11 रख लीजिए। उसी के बाद हम बात करें चौड़ाई को 10%, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी ऊंचाई हाइट हो गई। उसके बाद ये बीम क्या हो गया, 10% डिक्रीज करना, और 10 अपने आप में 10 जब हम यहाँ पर 10 × 10 लेते हैं, 10 × 10 तो आपको क्या करना है, जब 10 बढ़ाया तो 10% बढ़ाया तो ये 11% हो गया। इसी प्रकार 10 का हम 10 जब 10% घटाएंगे तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, 9 हो जाए। अब आप कूड़ा करेंगे 11 का 9 से तो ये टोटल आएगा आपका 99। टोटल आपका कितना होना चाहिए, टोटल आपका 100 होना चाहिए किसी भी हालत में। अब 100 नहीं हो रहा, 99%, तो टोटल देखिए आप क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ रहा, पहले 100 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया आपका 99 हो गया। तो आपको क्या हुआ, टोटल 1% की कमी हुई क्षेत्रफल में, टोटल 1% की कमी हुई क्षेत्रफल में। ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, अभी 10 × 10 100, 11 × ये देखिए 10% की वृद्धि और 10% की कमी 99 आया। तो इस प्रकार क्या हुआ, टोटल की कितने के 1% की कमी आपकी हो गई पूरे क्षेत्रफल में। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखिए आपके चुटकी भर में आपको याद हो, मतलब सॉल्व हो गई आपका, बाकी आप उस साधारण तरीके से करने जाएंगे तो इसमें आपको 2 से कम मिनट नहीं लगेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल हम और देखते हैं क्या आपके लिए खास है। देखिए एक एग्जांपल हम वर्क एंड टाइम का करते हैं, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको वर्क एंड टाइम को भी आप कैसे बहुत कम समय में सॉल्व करते हैं इसका भी हम बताएंगे। देखिए राम कोई काम को 12 दिन में करता है, राम किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक। तो अब मोहन किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में काम, तो दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे। आप साधारण तरीके से सवाल लगाएंगे, 1/12 + 1/10, अब इन दोनों को एलसीएम लेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसको काटेंगे भाग देंगे, तब जाके आपका सवाल सॉल्यूशन होगा। अब हम आपको बताए हैं कि 1/12 की वैल्यू क्या होगी, 1/12 की वैल्यू कितनी होगी, 8.33। बस आपको वैल्यू 1 से 30 तक याद करना है, तो 1/12 की वैल्यू क्या हो गई, 8.33 वैल्यू हो गई। और इसी तरह 1/10 की वैल्यू, सोहन का कार मोहन का कार कितना है, तो 1/10 है, तो 1/10 की वैल्यू क्या हो गई, 10%। अब इन दोनों को दोनों मिल के काम करेंगे तो दोनों का कार जोड़ दीजिए, 8.33% इनका एक दिन का काम है राम का, और इसी तरह मोहन का काम एक दिन का काम कितना होगा, 10%। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 18.33 एक दिन में, दोनों मिलकर कितना काम कर, 18.3%। तो टोटल काम कितना होता है, कोई भी 100% होता है, 100% को हम 18.33 भाग देंगे तो ये आपका टोटल काम कितने दिन में होगा, 5.45 दिन में ये आपका काम पूरा हो जाएगा। तो ये रही देखिए कितना आसान लग रहा है आपको ना, कि
कैसे आप मैथमेटिक्स को कितना आसान, चुटकियों में कैसे खेलेंगे मैथमेटिक्स। अगर आपको ऐसे ही मैथमेटिक्स पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑन डिमांड आप अपने कुछ क्वेश्चन अगर आपको फंस रहे हैं तो आप हमको ज़रूर यह टाइप करिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आगे जो हम वीडियो लाएंगे परसेंटेज से शुरू करेंगे अगला सेक्शन, तो परसेंटेज की सारी समस्याएं एक तरफ से हम सॉल्व करेंगे, और आपके लिए भी कुछ समस्याएं रहेंगी उसको आप सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे इसी 10x10 से। तो तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक करना, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।